हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। आप लोगों को पता है वृंदावन में जो हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, आपकी डिमांड पे ही लेके आते हैं, जो लोग आप हमसे डिमांड करते हो कि हमें ये चीज़ बताइए, वो सारी वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं। बहुत सारे होटल्स, गेस्ट हाउस, प्रॉपर्टी की वीडियोज़। पहले हम प्रॉपर्टी की वीडियोज़ ज़्यादा मैं बनाती नहीं थी और ना इन सब का मैं ब्लॉग बनाती थी, लेकिन आप लोगों ने डिमांड किया कि ऐसी कोई जगह बताइए जहाँ हम वृंदावन में रह सके, इन्वेस्ट कर सके या अपने लिए छोटा सा घर बना सके, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई वृंदावन वास करना चाहता है। तो ऐसे मैंने एक दो वीडियो रैंडमली बनाई थी, जो कि वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, फिर आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड भी आने लगी, तो मैंने उस तरीके की भी आपके लिए वीडियो बनाई। और कई बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी, 1 BHK, 2 BHK फ्लैट जो सेल के लिए आए हुए थे, वो मैंने आपको वीडियो आपके लिए बनाई। और आप लोगों को मैंने बताया भी कि वृंदावन में कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट पर्पज़ से अगर आप रहना चाहते हैं तुरंत, तो कहाँ आपको फ्लैट्स वगैरह मिल जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको गेस्ट हाउस थे और धर्मशाला थी, होटल्स थे, वो भी आपको दिखाए। और जैसे आप लोग कहते हैं कि हमें ऐसी जगह बताइए जहाँ बहुत सस्ता हो, तो मैंने आपको सस्ते सस्ता भी बताया। जैसे अभी एक दो दिन पहले भी मैंने वीडियो डाली थी, होटल डाला था 600 रुपये में। और अभी आपको पता है कि मौसम ठीक है, तो नॉन एसी रूम 600 रुपये में आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि एसी वाला रूम अगर आप लेते हैं तो वही आपको 850-900 हज़ार पड़ता है, और नॉन एसी अगर आप लेते हैं तो 600 रुपये में आपको पड़ता है। और 600 रुपये में अगर आप पर पर्सन जाते हैं तो हो सकता है आपको कॉस्टली पड़ जाए, लेकिन मोस्टली वृंदावन 3 से 4 लोग ही साथ में घूमने जाते हैं। तो अगर आप 3 से 4 लोग जा रहे हो, 600 रुपये का एक रूम ले रहे हो, तो पर पर्सन 150 रुपये ही पड़ रहा है। तो 150 रुपये में आपको एक रूम मिल रहा है, साथ में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें होती है। एक्चुअली कभी कभी आप लोग क्या करते हो, ब्लॉग पूरा सुनते नहीं हो, देखते नहीं हो, ठीक से एज्यूम कर लेते हो और फिर आप कॉल करते हो। पहले आप जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, आप उसको एक बार ठीक से ये आप सुना करिए कि ब्लॉग में क्या कहा जा रहा है। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं सिंगल पर्सन के लिए, देखिए सिंगल पर्सन के लिए तो आपको अगर कम से कम आपको 500 रुपये तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर बहुत सस्ता भी आप रूम लोगे तो आपको 500 रुपये में मिलेगा रूम, और अगर आप 3-4 लोग साथ मिलके आते हो तो आपको रूम बहुत सस्ता पड़ जाएगा। हाँ, आजकल वृंदावन में कई जगह फैसिलिटीज़ चल गई हैं कि आप 100 रुपये में पर नाइट के लिए आपको वो ज़मीन पे एक प्रॉपर गद्दा वद्दा डाल के एसी जो हॉल वगैरह होता है उसमें आप जाके पर नाइट के लिए रह सकते हैं। ऐसी जगह कई जगह हैं जिसका मैं वीडियो भी बनाऊंगी बहुत जल्दी। और कई लोगों की डिमांड आ रही थी कि ऐसी जगह आप वीडियो बनाएं जहां हम अकेले, जैसे कुछ बहुत सी माताएं बहनें हैं जो वृद्ध हैं, वृद्ध आश्रम में रहना चाहती हैं, या ऐसे कोई आश्रम जहाँ वृंदावन में जहाँ औरतें जाके रह सकें, महिलाएं जाके रह सकें, तो उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊँगी। अभी जैसे आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी वीडियो की कि हमें वृंदावन में ऐसी जगह बताइए जहाँ हम रूम तो लें पर नाइट के हिसाब से लें, 2 दिन के लिए लें, 3 दिन के लिए लें, 4 दिन के लिए लें, लेकिन साथ में ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम अपना भोजन प्रसाद ही खुद बना सकें। तो मैंने सोचा आपके लिए मैं एक ऐसी जगह, ये मैंने आपको एक ब्लॉग पहले भी बनाया था और आपको बताया था कि वृंदावन में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको ये सारी व्यवस्था मिल जाती है। एक दो धर्मशालाएं भी हैं, लेकिन वो शायद थोड़ी आपको कॉस्टली पड़ती हैं धर्मशाला। और बहुत से, जैसे अगर आप होटल में व्यवस्था ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगी, ये तो व्यवस्था आपको वहीं मिल सकती है, या तो कोई अपने कोई इंडिपेंडेंट फ्लोर किसी का, उस पर अगर वो ऐसा गेस्ट हाउस रन कर रहा हो, या कोई वहाँ पे कोई अपने घर में गेस्ट हाउस चला रहा हो तो वहाँ पे आपको व्यवस्था मिल जाती है। ऐसे मैंने आपको वीडियो बना के एक दो जगह बताए भी हैं कि यहाँ पर व्यवस्था मिलती है। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक जगह लेके जा रही हूँ, आपको प्रॉपर दिखाऊंगी, पूरा रूम दिखाऊंगी, किस तरीके का रूम है और कैसे आपको किचन मिलेगा, किचन में क्या क्या व्यवस्था मिलेगी, सारी चीज़ के साथ कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़े लेके आने हैं और बाकी आपको सारी व्यवस्था मिल जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ, बहुत से लोग ये भी बोल देते हैं कि हम वृंदावन 1 से 2 दिन के लिए आएंगे तो हम क्या अपना भोजन प्रसाद ही खुद बनाएंगे। देखिए, आप लोग नहीं बनाओगे, लेकिन बहुत से लोग अपने लड्डू गोपाल साथ में लाते हैं तो वो चाहते हैं कि अपने हाथ का बनाया हुआ ही भोजन प्रसाद ही वो उनको भोग लगाएं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं बुजुर्ग के साथ आते हैं, उन्हें बाहर का खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। बहुत से लोग को बाहर खाना पसंद होता है, किसी को अपने हाथ का बनाया हुआ ही पसंद होता है, चाहे वो 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए बाहर नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो अपने हाथ का बना हुआ खाना ही खाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हम ये जज नहीं कर सकते किसी को कि आप बाहर से भी खा सकते हो 1 से 2 दिन के लिए। तो आज जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको नंबर भी शेयर करूँगी आपके साथ, आप वहाँ कॉल करके अपनी बुकिंग भी करा सकते हैं, ऑनलाइन जाने से पहले बुकिंग करा लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और वहाँ पे आपको रूम के साथ किचन मिल रहा है। अगर आप चाहें तो पर एक हफ्ते के लिए एज अ रेंट भी रह सकते हैं, पर नाइट के हिसाब से आप वहाँ रह सकते हैं। अगर आप 1 से 2 हफ्ते के लिए रहेंगे, हो सकता है आपको थोड़ा वो कंसेशन दे दे, जैसे अगर पर नाइट का जो भी उनका चार्ज होगा वो अपना चार्ज आपसे करेंगे, लेकिन वही आप 1 से 2 हफ्ते के लिए लेंगे तो आपको कुछ कम करके वो 1 से 2 हफ्ते के लिए दे सकते हो। तो ऐसे आप 1 से 2 हफ्ते के लिए एज अ रेंट भी रह सकते हो, बाकी आपको सारी व्यवस्था यहाँ मिली जाएगी। आप देख रहे हो वहाँ पे हम पहुँच गए हैं जहाँ पे मैं आपको लेके जा रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ सेकंड फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पूरा अभी ऑलरेडी बुक है, सिर्फ सेकंड फ्लोर पे एक रूम खाली है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो ओनर है ये उनका खुद का घर है और वही उसी में वो एज अ गेस्ट हाउस चलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर आपको हर चीज़ की व्यवस्था मिल जाएगी। सबसे पहले आप एंटर करेंगे, एंटर करते ही आपको यहाँ पे किचन देखिए, ये जो आपको डोर दिख रहा है ऊपर, ये किचन है। किचन में सामने फ्रिज रखा हुआ है, और जो आप रूम लेंगे जो भी पे करेंगे पर नाइट के हिसाब से, उसमें आपको वो पानी वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। सामने 20 लीटर की बोतल मिलती है एक दिन के लिए, और एक दिन में आप 20 लीटर की बोतल भी ख़त्म नहीं कर पाओगे। डस्टबिन है, गैस है, और गैस जो ये गैस की सप्लाई होती है वो सब चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे है, सारी चीज़ें हैं। और साथ के साथ यहाँ पे रूम भी है, मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। ये है आपका रूम, रूम में एसी लगा हुआ है, फ़ैन लगा हुआ है, डबल बेड है, आप आराम से 3 से 4 लोग आके यहाँ पे रुक सकते हैं। और ये जो भैया डोर ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे आप जाओगे पीछे तो देखिए यहाँ पे आप चाहें तो अपने जैसे आ रहे हो तो 1-2 दिन के लिए आओगे, कपड़े वगैरह भी सुखा सकते हो, ऊपर जाल है। और ये है आपका बाथरूम, बाथरूम में आपका गीज़र लगा हुआ है, वेस्टर्न लेट बाथ की आपको फैसिलिटी मिल जाती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, एकदम न्यू प्रॉपर्टी है। तो ये भी नहीं है कि आप पुरानी प्रॉपर्टी है, बहुत से लोग होते हैं कि उनको साफ़ सफाई ज़्यादा चाहिए होता है, तो न्यू प्रॉपर्टी है, हर चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सामने आपको अलमीरा भी मिल जाती है, एक चेयर मिल जाती है, साइड टेबल मिल जाती है, डस्टबिन, डबल बेड, तो रूम में जो कुछ होना चाहिए एक आपको रुकने के लिए सारी व्यवस्था आपको मिल जाती है, साइड टेबल वगैरह सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आराम से आप अपना खाना वगैरह खुद बना सकते हैं, आपको यहाँ पे ई रिक्शा वगैरह की सारी फैसिलिटी मिल जाएगी पास से ही। और यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ थी सारी मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे देखो IGL गैस भी लगी हुई है, सारी चीज़ की व्यवस्था आपको मिल रही है। यहाँ पे फ्रिज में आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग जो मैंने आपको दिखाया, कि आप यह पर नाइट के हिसाब से भी ले सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, और जिस तरह के से आप लेना चाहें ले सकते हैं, व्यवस्था आपको खुद खाना बनाने की यहाँ मिल रही है। नंबर आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप देखिए किचन में सारी चीज़ें हैं, यूटेंसिल्स वगैरह, बर्तन वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, डस्टबिन वगैरह। तो आप यहाँ पे अपना जो भी लेके आए सामान अपना कुक कर सकते हैं, बेसिक कुकिंग करना चाहे चाय वगैरह, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। और आपको बाहर से चाय वगैरह भी नहीं पीनी पड़ेगी, सब चीज़ आप यहाँ पर खुद ही कुक कर सकते हैं, तवा वगैरह हर चीज़ यहाँ पर रखी हुई है जो एक किचन में चाहिए होती है। तो ये था मेरा ब्लॉग, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए राधे राधे।